नमस्कार, न्यूज़ फॉर एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाई नहीं छिपता, खास करके जब दो लोग प्यार करते हैं। दो लोग जब चोरी छिपे मिलते हैं तो उस मुलाकात को छिपाने की हज़ार कोशिश उनकी तरफ से की जाती है, लेकिन बावजूद इसके चर्चा आम है कि कौन किससे मोहब्बत करता है, और ये बात हर किसी के सामने भी आ जाती है। बात अगर हम करें तो राजधानी पटना में इस वक्त कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पे दो प्रेमी युगल की तरफ से अपनी मोहब्बत को छिपाने की लाख कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद घर वालों के सामने सच सामने आ गया, जिसके बाद इन दोनों की शादी करवा दी गई। जी हाँ, आपको बताएं कि ये शादी की जो स्टोरी सामने आई है वो राजधानी पटना की है, जहाँ पे रात में बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चोरी छिपे उसके घर जाता है, लेकिन लड़की के घर वालों को मालूम चल जाता, जिसके बाद इन दोनों की ही शादी करवा दी जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लव मैरिज करवाई गई है, और आखिर क्यों ये जो शादी की स्टोरी है वो इस वक्त पटना से देखने को मिली है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है लव के इस मामले में। बात अगर हम करें तो लड़की के परिजन ने दोनों को बंद कमरे में पकड़ लिया, बाद में दोनों की जबरन शादी करवा दी गई, जिसके बाद थाने में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। बता दें कि ये पूरा मामला पटना के फुलवारी शरीफ थाना का है। बताया जा रहा है कि रविवार को आशिक अपने प्रेमिका से मिलने एम्स के पास उसके घर में पहुंचा था। घर में किसी को नहीं पाकर दोनों एक कमरे में बंद हो गए। इस बीच अचानक घर में प्रेमिका के मामा पहुंचे तो देखा कि कमरा बंद था। जब उन्होंने रूम खुलवाया तो दोनों युगल प्रेमी कमरे में रंगे हाथ पकड़े गए। इस मामले की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के कई लोग उपस्थित हुए। इस बीच दोनों प्रेमी युगल ने एक दूसरे से प्यार करने की बात को स्वीकार करते हुए शादी करने के लिए हामी भर दी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों प्रेमी युगल के परिजन को इस बात की सूचना दी गई। अचानक किसी तरह से सूचना पाकर दोनों पक्ष के लोग जमा हो गए, लेकिन लड़की की मां शादी से काफी नाराज थी। बता दें कि स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी। सूचना पाकर फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल को अपने साथ लेकर थाना आ गई। इससे पहले स्थानीय लोगों ने दोनों प्रेमी युगल को शादी की पूरी रस्में करवा दी। थाना पहुंचते ही लड़के की मां वहां पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। इस बीच थाना प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में बोला कि अगर लड़का लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो परिवार के लोग इस मामले में किसी तरह की हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बता दें कि जब इन दोनों को बंद कमरे में पकड़ा गया तो इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने की बात को स्वीकार करते हुए शादी करने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद आखिरकार इन दोनों की ही शादी करवा दी गई। तो बेहद ही अजीबोगरीब मामला पटना के फुलवारी शरीफ से देखने को मिला है, जहां पे बंद कमरे में प्रेमी युगल रंगे हाथ पकड़े गए, जिसके बाद इन दोनों की ही इनकी ही मर्जी से शादी करवा दी गई है, और ये शादी चर्चा का विषय भी बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।